नमस्ते गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार अभिजीत जी, कैसे हो आप? बस बस बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद है। आपको देख के ही इतनी प्रसन्नता होती है और आपकी जो तेज है, तो मुझे तो बहुत आनंद है आपसे आज एक चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। सर्वप्रथम मैं आपको आपने आपने ये जो अपना पत्रिका का नाम सकाल रखा है, ये अपने में एक बड़ी मैसेज पहुंचा देती है। हर चीज सकाल में हो तो जीवन में सुख शांति समृद्धि होती है। हर बिल्कुल चीज सकाल में होनी चाहिए। हाँ गुरुदेव, सर्वप्रथम मैं सकाल समूह के वती से आपका स्वागत करता हूँ। शेखर मुंदड़ा जी भी है, और आज आपको जब मैं पिछली बार मिला था तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में पैदा हुए थे, और आपका जो एक आपने एक स्वर्ग बनाया है बेंगलोर के यहाँ, और मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ सिर्फ बेंगलोर के लिए सीमित क्यों है, ये सारी दुनिया में क्यों ना हम सबको इसका फायदा हम कैसे उठा सके। और जो मेरे मन में जो सवाल थे, तो मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि क्योंकि अभी मैं परदेश में हूँ और ये देखता हूँ कि एक भौतिक लेवल पे, एक स्तर पे बहुत सारी उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, मटेरियल लेवल पे जिसको हम कहते हैं। सारे जो विश्व में ऐसे सुख सुविधा एक मानव बना सकते हैं कि जिससे समृद्धि हो, शांति हो, लेकिन फिर भी हम ये करने में सक्षम नहीं हुए, सफल नहीं हुए, बहुत सारे आह्वान है, चैलेंजेस है। तो इस बारे में थोड़े आपसे एक चर्चा करनी थी। इसके साथ ही अगर हमने देखा जाए तो ये हम बोलते हैं कि भाई मानवता में सुख चाहिए, मैत्री चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो ये कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़े आपसे हम सवाल करेंगे। और हमारी जो वैदिक परंपरा थी जो है, तो उसको आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, इससे हम कैसे सीखे, कैसे मानवता को हम मदद करें, तो इस बारे में अगर आपका हमें मार्गदर्शन मिलता मिले तो बहुत अच्छा होगा। मेरे मन में कुछ सवाल है, जैसे मेरे अभी दो बच्चे भी हैं, और मैं जब युवा पीढ़ी से बात करता हूँ तो काफी सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों करना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, और फिर उसकी हमारे पास जवाब जरूरी नहीं कि हमारे पास रहते हैं। तो आपके जैसे गुरु जी है, गुरुदेव है, तो आपके यहाँ ही सब सवाल है, तो ये सबके सक्का माध्यम समूह से भी आपके जो आपका जो सब जो टीचिंग्स है वो सब लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश भी करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है, अभी गुरु जी आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, हम वर्तमान पीढ़ियों की बात करते हैं, आने वाली पीढ़ियों की बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के बारे में अगर हम सोचे, जो श्राद्ध है, तो कुछ दोस्तों में कल ही बात कर रहे थे तो कोई बोल रहा था कि अभी ये श्राद्ध में क्या करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्यों करते हैं ये सब 15 दिन, ये सब क्या है, और इसका जवाब तो हमारे पास ठीक से कुछ नहीं रहता है, मेरे मेरे पास तो नहीं है, अन्य लोग के पास तो रहेगा, लेकिन आपसे पूछना कि ये श्राद्ध है, ये पितृपक्ष है, तो ये हम किसके लिए, ये सब हम इसके बारे में जो कुछ रिचुअल्स है या जो करना पड़ता है, तो इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या शास्त्र है। हाँ, आपने ये भूमिका रखी है कैसे हम मानव समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण से बात समझाना चाहूंगा। शादी है, बारात चल पड़ी है, घोड़ा है, बाजे वाले हैं, पटाखा है, पूरे माहौल है, खाना सब तैयार है, पंडित तैयार है, दुल्हन तैयार है, पर एक छोटी सी चीज की कमी रही, वो दूल्हा नहीं है। दूल्हा ही नहीं है तो शादी कैसे संपन्न हो? ऐसे बाकी कुछ भी ना हो, दुल्हन और दूल्हा हो तो शादी हो ही जाती है। तो समाज में ऐसी हाल है, जब तक मानवीयता हमारे भीतर नहीं जगती है तब तक बाकी सब
संसाधन सब होने के बावजूद भी वो आदमी सुखी नहीं रह सकता। बिस्तर अच्छे हैं, एसी कमरे हैं, मेरे को भी दिख रहा है आप एसी कमरे में आराम से हो, मगर तनाव हो तो नींद नहीं आएगी। फिर जब नींद ही नहीं आती है, इसी तरह से सारा भोजन है मगर पेट में अल्सर है, भोजन पचता नहीं है, तो ये सब भोजन का क्या प्रयोजन है। इसी तरह से प्रॉस्पेरिटी यदि हम देखना चाहेंगे दुनिया में, उसका भूमिका है शांति। भारत में देखिए 600 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 200 डिस्ट्रिक्ट पहले था, अब कम हो गया कि मतलब 101 डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलप क्यों है, वहाँ पर शांति नहीं है, नक्सलिज्म है या कुछ और बातें हैं, वहाँ कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जाके ना वहाँ कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उद्योगपति ना वहाँ जाना चाहते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाता है। सो सबसे प्रथम बात क्या है, शांति होनी चाहिए। शांति हो तो उसके साथ साथ समृद्धि भी बन जाती है, जुड़ जाती है। वैसे ये भी कह सकते हैं समृद्धि नहीं है इसीलिए अशांति है, ये भी सच है, मगर ये दोनों साथ में चलना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि मानवीयता भारत का एक अपना अहमी बात है, खास बात है। जब हम इसको खो देते हैं, गांव गांव में आज भी मानवीयता है, किसी के घर में एक लोटा लस्सी हो तो एक अभ्यागत आते हैं तो उनके साथ अतिथि के साथ वो बांट के लेते हैं। ये एक अपना भारतीय संस्कृति में फिरोया हुआ है और इस चीज को हमें नहीं खोनी चाहिए। तनाव मुक्त जीवन ही सुखी जीवन का नींव है, साथ में समृद्धि भी आएगी, कुशलता भी होनी चाहिए, शिक्षण भी अलग अलग तरह की शैक्षणिक पद्धति में भी परिवर्तन आनी पड़ेगी। और आपने ये पूछा दूसरा सवाल, ये आज श्राद्ध है इसका क्या महत्व, इस पर आता हूं। हम इस दुनिया में हैं तो हमारा पूर्वजों के वजह से है, पूर्वजों ने हमें इस दुनिया में लाने का एक श्रेय उन्होंने लिया है और हमको उपकार किया है, हम तो वो द्वार है। और जो हमारा मूल है, स्रोत है, हमारे माता पिता है और पितृजन है, उनके प्रति श्रद्धांजलि करनी है। वैसा देखा जाए तो पूर्णिमा और अमावस्या को ऐसे कहते हैं, पूर्णिमा का दिन देवताओं का दिन है, अमावस्या का दिन पितरों का दिन है। तो ये पितृ पक्ष 15 दिन पूरे साल में जो हो रहा है इसको पितृ पक्ष कहते हैं। 15 दिन में जिस स्थिति में भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उसी स्थिति में उनका स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि, श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धांजलि। अब पूछे श्रद्धांजलि क्यों अर्पित करना है, ये सभ्य मानव का लक्षण है। सदैव हुए व्यक्ति हमेशा कृतज्ञ रहता है और कृतज्ञ रहने के लिए ये एक मौका है। अब पूर्वजों ने एक किस तरह से नियम बनाया, जैसे बारिश का मौसम का अंत हो रहा है तो इस वक्त सब अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनकी श्रद्धांजलि के रूप में तिल दान करिए, तिल की तर्पण करिए। तर्पण शब्द का एक बहुत सुंदर अर्थ है, तर्पण माने ही यही है कि तृप्त हो जाए। अच्छा। मान लीजिए हमारे पूर्वज किसी काम को अधूरा छोड़ के गए हैं, तब बच्चे उनको कहते हैं कि ये तिल के बराबर है, जो काम आपने यहाँ छोड़ दिया है वो हम कर लेंगे, आप आगे बढ़िए। इस तरह से उनको एक तरह की एंकरेजमेंट, प्रोत्साहन देते हैं, आप आगे चलिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, उस जगत से हमें इस जगत पर आशीर्वाद दीजिए। देखिए ये प्रथा सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये प्रथा साउथ अमेरिका में है। अच्छा। ये प्रथा सिंगापुर में, चाइना में,
दुनिया भर में कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी रूप से पितरों को स्मरण करना, श्रद्धांजलि देना ये संप्रदाय है। वहाँ ऑल सेंट्स डे करके मनाते हैं। साउथ अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ 15 दिन अपने यहाँ जैसे ही मनाते हैं, अलग ढंग से मनाते हैं, आप 15 दिन तक मनाते हैं। और सिंगापुर वगैरह में देखेंगे, चाइना में वो लोग, उनको जो पसंद है या अभी जो चाहिए वो चीज़ें कागज़ में, कार्डबोर्ड में बना करके उसको जलाते हैं। और नोट भी बहुत सारे नकली नोट बनाते हैं वो सब जला के ये तृप्त कर लेते हैं कि उनको पहुंच गया। हम क्या करते हैं भारत में, कुछ चावल का या रोटी गाय को खिलाते हैं या पक्षियों को देते हैं, कौवे को देते हैं। इस तरह से प्रकृति की पोषण भी इसका एक अंग बनाया। पशु पक्षी, हर कीड़े, हर चीज जीवन का एक अंग है, हमारे अस्तित्व का एक अविभाज्य अंग है। तो उसको भी हम इसमें पोषण करते हैं और हमारे प्रियजनों के स्मृति में औरों को भोजन कराओ, औरों को तृप्त कराओ, ये एक परंपरा चली आ रही है। मुझे लगता है बहुत सुंदर परंपरा। इसके बाद ही फिर देव पक्ष है, जिसमें 15 दिन तक, पूर्णिमा से तक नवरात्रा, और उसके बाद 4 दिन देवताओं का आराधन हमारी परंपरा में है। बहुत बढ़िया गुरुदेव। अगर हम पूर्वज से जो बात करते हैं, आपने जैसा कहा कि इनके हमें, हम पे उपकार है, ऋण है, तो इसीलिए हम उनके स्मरण भी करते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, उनके जो संस्कार थे उसके कारण हम जो है वो बने हैं। और आज हम एक वर्तमान पीढ़ी की अगर बात करते हैं, तो हम भी कभी अभी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी भी जवाब जिम्मेदारी है कि भाई ये कुछ हमको करना है। और आज के युग में, आज मैं ये देखता हूँ, अभी मैं खुद एक मीडिया में काम भी करता हूँ, हमारे खुद के अखबार है, टेलीविजन है, और ये देख रहे हैं कि सत्य कहीं तो छुप रहा है, किसी की ओपिनियन है, परसेप्शन है, ये अभी सच आगे करके आ रहे हैं। रामायण में एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने सीता पे एक शक की नजरों से देखा। अभी ऐसे लगते हैं कि भाई राम तो रघुकल के तो जो कुल है वहां पे अभी कितने लोग है पता नहीं, कोई है ही नहीं शायद, लेकिन इस व्यक्ति के तो बहुत सारे लोग आज दुनिया में है ऐसे लगता है, क्योंकि हर एक चीज पे शक की नजर से देखने का, कोई भी कोई अच्छा काम करे या कोई करना चाहते हैं तो शक की नजर से देखिए। ऐसा कभी लगता है कि हमारे मराठी में तो ऐसा एक बोलते, मजाक में हम बोल रहे थे कि सबसे पावरफुल देवी अभी शंकावती हो गई है, शंका माने शक, और ये सब शक की नजरों से देखिए कि आप कुछ भी अच्छा काम करे, कुछ भी करे, तो कहीं पे एक नैराशा भी एक तैयार होती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई कोई जो बुरी चीज है वो फैलती है, जो झूठ है वो फैलता है, और एक जो सीधे रास्ते पे हम काम करना चाहते करते हैं उसके ऊपर एक अटैक भी होते रहते हैं काफी बार। तो आज हम ये वर्तमान में जब हम दूसरों को बोलते हैं कि भाई नहीं, ये जो भी हो रहा है सच सत्यमेव जयते, लेकिन सच की ये सत्य की जीत कहीं तो ऐसा लगता है कि भी हार हो रही है। और आज कोई भी अच्छे व्यक्ति भी रहेंगे, संस्था रहेंगे, तो उनके अटैक होते हैं, और फिर कोर्ट में 20 साल 25 साल वो न्याय मिले ना मिले भगवान जाने, लेकिन एक इमेज खराब हो जाती है, ये सारे चीजें होते। तो एक आज ये कैसे एक रोल मॉडल हम बने और ये सारा सहन भी करे फिर भी अपना मार्ग ना छोड़े, तो इसके बारे में आप क्या सलाह दे सकते हैं? शक जो है या शंका जो कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो खुद पर शक करते हैं, खुद की शंका, सेल्फ डाउट जिसको कहते हैं। दूसरा, और लोगों की ईमानदारी पर शक करना। फिर तीसरा, अस्तित्व पर ही शक कर दें, भगवान है कि नहीं पता नहीं है, इस तरह से वो शक। ये 3 तरह की शक होता। अक्सर
सबको शक तो यही रहता है कि भगवान के बारे में सुना है देखा नहीं, इसलिए भगवान पर शक करना बड़ा बड़ी मामूली सी बात रखती। सही बात। फिर वहां से दूसरे लेवल पर आते हैं तो फिर चारों ओर देखते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं उनसे धोखा मिल जाता है, तो अपनों से अलादा जो और लोग हैं उनसे शक करने में तुले रहते हैं। और कुछ लोगों को ये शक की बीमारी अपने पर आ जाती है, फिर खुद पर ही शक हो जाता है, एक तरह की बीमारी कह सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? जब हमारा प्राण शक्ति बड़ा होता है, पहले तो खुद पर शक करना बंद करते हैं हम, आपको कॉन्फिडेंस मिलता, आत्मबल मिल जाता है। ये प्राण ऊर्जा बढ़ने से, ऊर्जा बढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता, आत्मविश्वास जगता है तो समाज पर भी विश्वास करने लगते हैं हम, हरेक को शक के दृष्टि से देखना बंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हरेक को विश्वास कर लेते, नहीं, मगर शक के दृष्टि से हम हट के विश्वास, देखिए विश्वास के बिना कुछ चलता नहीं। समाज भी, बैंक किसी को लोन देता है तो विश्वास पर देता है, कोई दूध देने वाला आपको सब महीने भर दूध देता है, आखिरी में वो पैसे लेता है। बिजनेस सब विश्वास पे ही टिकी हुई है, विश्वास हटा दे तो कोई कस्टमर नहीं, कोई माने कोई ग्राहक भी नहीं आगे आ सकता है, कोई व्यापारी भी नहीं सस्टेन कर पाए, टिक नहीं पाएगा। इसलिए विश्वास, आपस में विश्वास ना करने से प्रगति हो नहीं सकता, व्यापार हो नहीं सकता, सामाजिक अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं सकती है, ये एक बात है। फिर ईश्वर विश्वास, जब हमारी ऊर्जा इतनी बलवान हो जाती है और इतना अधिक होता है तो हमें जो शक्ति जिसके जरिए ये सबको चलायमान है, पूरी दुनिया जिसके आधार पर चल रही है, उस पर अटूट विश्वास होने लगता है। वो विश्वास हो जाए फिर हमें अंतस्पुरणा जागते, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, फिर कहीं गलत नहीं होता, वो सब चीजें अपने रास्ते पर बनने लग जाती हैं। सही बात। आप विश्वास की बात कर रहे थे अभी, और पहले भी आपने कहा कि हमें श्राद्ध के वक्त सिर्फ अपना ही नहीं हम ख्याल रख रहे, हम हमारे जो जीव है, वनस्पति है, प्राणी है, उनके बारे में भी हम सोचते हैं। तो अगर हम तुलसी की बात करते एक, या एक गोमाता की बात करते, या गाय की बात करते जिसे हम भारत में तो उसे माता के रूप में देखते हैं, तो इसका जो महत्व है कि गो सेवा करना, गाय का, आपके आश्रम में भी बहुत सारी गाय हमने देखे, गोमूत्र है, गोबर है, इससे सारे जो प्रोडक्ट्स है, तो ये गाय का महत्व और इसके ऊपर जो सब ये कंट्रोवर्सी होती है, मैं मुझे समझ में नहीं आता है कभी कभी कि हमने सब हमारी जो, मैं तो इंजीनियरिंग सीखा हूँ लेकिन मेरे जो दोस्त जिन्होंने आर्किटेक्चर किया, तो मैं उनको अक्सर पूछता हूँ कि आप ये जब शहरों के बारे में प्लानिंग करते हो, आप अर्बन आर्किटेक्चर करते हो, तो क्यों ना कभी आपने हमारे शहरों में गौशाला के लिए एक स्पेशल स्थान बनाया, क्योंकि हम सब भारतीय लोग तो हम दूध पीने वाले सब लोग हैं, परदेश में इतने ज्यादा दूध नहीं पीते तो किसी ने गौशाला को उतना महत्व ही नहीं दिया, लेकिन हमने क्या किया, हमारे शहरों से गौशाला बहुत दूर भेजी और गाय के लिए फिर कहाँ वो चारा खाए, कहाँ से वो बेचारा जो दूध देने वाला है वो उसको दूध लेके आना इतना लंबी दौर से, फिर उसको हम दूध के लिए हम पैसे भी ज्यादा देते नहीं है, तो ये बिजनेस भी करना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसमें सब एडल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। लेकिन अभी वापस ये देसी गाय का महत्व बढ़ रहा है, दूध का महत्व बढ़ रहा है, और मुझे तो ऐसा लगता है गुरुदेव कि आपके जैसे लोग हैं, हमारे जैसे जो अगर इन्फ्लुएंस है, कि क्यों ना हम सरकार को भी बोल लें कि अगर गाय को महत्व है, देसी गाय को, और इसमें कोई रिलीजन या धर्म की हम बात नहीं कर रहे, दूध तो सभी पीते हैं, चाहे आपको गाय पे विश्वास है या नहीं है, और ये अच्छा ही है, ये तो सब अभी सिद्ध हुआ है, तो क्यों ना हम अमेनिटी स्पेस जो शहरों में रहते हैं, तो उसमें अगर आप स्विमिंग पूल बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, तो क्यों नहीं गौशाला भी बनाए, वहाँ पे थोड़ा ये गाय को भी उतना ही अधिकार है ये प्राणियों के हमारे शहरों में रहे। तो इस तरह से इस सोच के बारे में आपका, आपकी क्या राय है, ये सब जो बवाल हो रहा है अभी देश में, क्योंकि हम गाय को एक, जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोग
गाय के लिए डोनेशन देने को रेडी है। और जैसे पहले के जमाने में जो पूछते थे कि अरे अच्छा आप दूल्हे के बारे में बात करते थे कर रहे थे, तो दूल्हे के पास हम पूछते थे कि भाई क्या है आपके पास, जमीन है ये है और गाय कितनी है। आज अगर किसी को हम पूछते हैं कि भाई गाय कितनी है तो पता नहीं है। अभी मेरे ऑफिस के बाजू में मैंने एक छोटी सी गौशाला बनाई है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुबह में जब मैं कभी भी जाता हूँ वहाँ पे तो रोज थोड़ा गोमूत्र तो आता ही है वहाँ से, दूध भी अच्छा आता है और वो गाय के जस्ट आंखों में देखने के जो एक सुख मिलता है और वो सेवा करने में जो एक आनंद मिलता है वो अलग ही है। लेकिन इसके बारे में हम लोगों को कैसे बताएं कि जिससे कोई गलत फहमी ना फैल जाए, और आपकी क्या राय है इसके बारे में, गाय के बारे में, गोमाता के बारे में? नहीं अभिजीत, ये आपने बहुत अच्छा एक सुझाव रखे हो, हमारे मन में भी यही बात रही है। आप देखिए अभी जो पुराने जो शहर बने हैं, नगर बने हैं भारत में, जैसे मैसूर है, चंडीगढ़ है और जयपुर है, ये सब शहरों में बीच बीच में पहले उद्यानवन बहुत बड़ा हुआ करता था। आजकल वो सब भी ग्रीन कवर को बहुत कम कर दिया, कॉन्क्रीट जंगल होता हुआ जा रहा है हमारे, तो रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ जाता है। फिर गौशाला, कहाँ गौशाला, वो सब हटाओ, वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ। हमें क्या न्यू सैटेलाइट सिटीज होनी चाहिए, बननी चाहिए, और गांव तक सारी फैसिलिटीज यदि हम उपलब्ध करा देते हैं जिसको स्मार्ट सिटीज कहते हैं, तब हम हर गांव में कुछ खेत, कुछ वनस्पतियों का और गौशाले का, गौशाला का पूरा व्यवस्था रखे हुए करना आवश्यक है। ये सब रखते हुए करेंगे तो गाय का दूध भाई दूर से 200 किलोमीटर दूर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास से ही आप उपलब्ध कर पाओगे। ऐसे ही वनस्पति का भी, अब हमने ये काम किया कि ये नक्षत्र वन, हर एक तारे के साथ एक एक वृक्ष जुड़ा हुआ है, तो 27 अलग अलग वृक्ष और 108 अलग अलग वृक्ष को जब हम लगाते हैं किसी भी गांव में, छोटे बड़े शहर में, कई जगह, तो उसकी जो हवा है उससे शरीर स्वस्थ रहता है। अब सांस के जरिए हमने बहुत कुछ न्यूट्रिशन अपना शरीर को हम उपलब्ध कराते हैं सांस लेने से। अब यदि हमारी वायुमंडल इतना प्रदूषित हो जाता है और हमारा फेफड़े उतने ही कमजोर पड़ते हैं, तो हमारा जो रोग निरोधक शक्ति है वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए हमें वृक्षारोपण और गो संवर्धन दोनों हर गांव में, गांव में तो हो ही रहा है, शहर में भी होना चाहिए। शहर में भी एक ही तरह का कुछ पेड़ लगा दिया, कुछ दिखने में अच्छा है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा दिया, इससे नहीं बनेगी बात। वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, अलग अलग वैविध्यता में वो लाना चाहिए। विविध पेड़ों को हम लगाते हैं, वनस्पतियों को लगाते हैं, इसी दृष्टिकोण से हमारे पूर्वजों ने कहा है हर घर में तुलसी होना आवश्यक है, नीम का वृक्ष होना आवश्यक है, नींबू का वृक्ष होना आवश्यक है, और हर गांव में पीपल का वृक्ष होना ही है। जहां पीपल का पेड़ नहीं है फिर वो गांव गांव नहीं माना जाता। तो और पीपल के साथ आंवला और नीम, ये भी स्वाद में जुड़ना चाहिए। ये सब वृक्ष का भी एक बहुत बड़ी साइंस है, विज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत काम किया है। वेदों में ये भी है कौन सी वृक्ष को आप साथ लगाओगे तो उसकी जो हवा से वातावरण में एक अच्छा तरंग उठेंगे, और कौन से वृक्ष साथ में नहीं लगाना चाहिए, यदि लगाओगे तो वहाँ एक वातावरण में विस्फुरित एक वाइब्रेशंस माने तरंग उठ जाएंगे। इस तरह के सबका एक विज्ञान ही उपलब्ध है, मगर हमने इन सबको नज़रअंदाज कर लिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी टाइम आ गया कि अपना इस पर जोर देना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो, मैं भी सबसे कहूँगा कि हर शहर में, हर छोटे छोटे शहर में, हर मोहल्ले में एक छोटा सा गौशाला हो, वहाँ गाय को चरने के लिए व्यवस्था हो, वहाँ लोगों को वॉकिंग करने के लिए, वहाँ सैर करने के लिए इतना उद्यानवन हो जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे रहे हों,
तो हम समाज की ही नहीं प्रकृति की भी संरक्षण करने में सक्षम हो जाएंगे। गुरु जी मुझे पता नहीं आपके आपके पास कितना वक्त है, मुझे कहा गया कि वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल मैं आपको अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए। भारतीय जब हम बोलते हैं तो मैंने ऐसे सुना है कि भा यानी ऊर्जा, रथ यानी जो इस ऊर्जा की सेवा करते हैं, जो तो ये अगर भारत को एक दिशा दर्शक का काम करना है दुनिया में, हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, हमें एक हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमारी ये वेदों की परंपरा है या जो भी हम हमारे जो 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 अच्छे चीजें हमारे पास है वो सारे मानवता के लिए उपलब्ध होने चाहिए, तो कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्था है तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें के साथ जुड़ना चाहिए। हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि ये जो आपका मैसेज है पूरी दुनिया में हम कैसे फैलाएं, कैसे इससे हम कंट्रीब्यूशन करें। तो मेरा आखिरी सवाल ये कि कॉन्क्रीट लेवल पे कैसे एक जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और भारत की जो एक जिम्मेदारी है दुनिया के लिए, तो इसमें क्या हमें एक भारतीय रह के हम देश विदेश जाते हैं तो जिसमें हम एक आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं योगदान? सबसे पहली बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस साथ ये कह रहे हैं कि पोस्ट पेंडेमिक सबसे बड़ी खतरा जो है वो मानसिक स्वास्थ्य की है। लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं, जगह जगह झगड़े झंझट ये सब बहुत मात्रा में बढ़ती हुई दिख रही है, तो हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए सब मिलके काम करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पर यह है कि नशेबाजी, हमारे देश में जो नशेबाजी है, तरह तरह की नशे में लोग जूझ रहे हैं, जीवन उससे बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रही है, आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो रहे हैं, इससे इसको रोकने के लिए हम सब मिलके काम कर सकते हैं। से नो टू ड्रग्स एंड नो टू एनी टॉक्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तीसरी बात यह है कि हम जल स्रोतों को, नदियों को और जो वाटर बॉडीज है भारत में, इस वाटर बॉडीज पर हम अटेंशन देंगे, जगह जगह सब मिलके काम करें तो रिजुविनेटिंग वाटर रिसोर्स ये बहुत काम हो जाएगा। और उसके साथ साथ वृक्षारोपण, जैसे हमने कहा नक्षत्र वन जगह जगह हम लगाते जाएं, और रेयर प्लांट्स को, कितने सारे रेयर हर्ब्स है, स्पीशीज है जो एक्सटिंक्शन के कगार में खड़ी है, लुप्त होने वाली जैसी है, कई ऐसे पेड़ पौधे, उनका रक्षण संरक्षण करने के लिए उनको वो करना। फिर एक और बात ये कर सकते हैं, नैसर्गिक खेती, प्राकृतिक खेती, किसानों को इस पर हम एंकरेज करें और नैसर्गिक और प्राकृतिक खेती से जो उपज है उसको लोगों तक पहुंचाने की, वो भी एक प्रयत्न है, ये बहुत बड़ा प्रयत्न है, ये भी हमें करना आवश्यक है। इन सब मामलों में हम सब मिलके काम कर सकते हैं और एक हिंसा मुक्त समाज और रोग मुक्त शरीर ये करने में हम सब सहयोग करके करेंगे तो अवश्य इसमें हमें सफलता मिल जाए। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने गुरुदेव आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मानसिक स्वास्थ्य जो है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी जो बीवी है मृणालिनी, वो एक कथक टीचर भी है, योगा टीचर भी है और हमारे सारे फाउंडेशंस भी देखती है, तो शुरुआत तो उसने की थी कि गुरुदेव को बुलाते हैं और एक मानसिक स्वास्थ्य पे हम एक सेमिनार करते हैं, तो कहीं तो हमने ये मैंने कहा कि पहला ये हम एक ये डिस्कशन करते हैं और अगला अगर आप इजाजत दें तो एक मानसिक स्वास्थ्य पे भी हम वेबिनार आपसे एक अगर कर सकते हैं कि बहुत आप काम कर रहे हैं, तो शेखर जी को मैं बहुत विनती करूंगा कि आपसे वापस एक डेट मिले तो बहुत बढ़िया। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, और मैं आना ही चाहता हूँ बेंगलोर वापस जल्दी अक्टूबर में, जरूर मैं आऊँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके। अच्छा, थैंक यू।